हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलम शैदा सिंह। देखिए, ये जो नींबू लटक रहा है राई के तेल पे, ये है इलेक्शन के हिसाब से जिन लोगों का मुझे काम करना है। इस पर आज रात भर पूजा होगी, कल अमावस्या की पूजा होगी, इसके बाद परसों इसे शिवलिंग पर डाला जाएगा। ये मैंने जो नपुंसक करने का विधि किया है, अंदर राई का तेल डाला है, तो जैसे हम पेड़ में पानी देते हैं वैसे मैं इसमें थोड़ा जलन दे रही। राई के तेल में तो नींबू डूबा ही हुआ था, अब इस पर से अक्खा नमक डाल दिया है। आप देख रहे हैं, अभी अक्खा नमक अपना जैसे जैसे कमाल दिखाएगा पता चलेगा। अभी आज पहले दिन की पूजा, पहले दिन की पूजा में इसे 50,000 जप हो चुका है, 6 दिन की पूजा में क्या जप होगा मालूम नहीं, क्योंकि आज मैं अकेले नहीं लगी हूँ। क्या बोलते हैं, मेरी हाजीदा सुनीता सब लगा रहे। देखिए काली माता की फ़ोटो बगला मुखी के साथ। मैंने ईद आते समय कहाँ से कहते हैं ना, सैलानी बाबा के मठ में जो मंदिर है वहाँ से इनको लेकर आई हूँ। वहाँ तो मुझे आते समय जब मैं निकली तो मुझे सांप के दर्शन भी हुए थे। इनकी आँखें भी कुछ वैसी हैं, तो कुछ तो चमत्कार दिखाएंगी। और ये नींबू, अब ये नमक जैसे जैसे इस नींबू पे गलेगा वैसे वैसे जिन लोगों के नाम पे पूजा हुई है उनकी हालत ख़राब होगी। सॉरी, मैंने जिन लोगों को नपुंसक किया है, क्या कर सकती हूँ मैं, क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ। जब कोई अगर मेरे दिमाग पे लग गया तो फिर बात ख़त्म हो गई। ये देखिए, आज 2 जनों को और पैसों का ये सब अंगूठी आई है, अंगूठी चढ़ी है, सामान चढ़ा है, आपको दिख रहा है कुछ नए सामान और आए हैं, सब कुछ है यहाँ, बहुत सारी पायल वायल सब है क्योंकि सबके नाम की है। तो बस बेस्ट ऑफ लक, नपुंसक होने को तैयार रहो। कहते हैं ना, जब गन्ने में रस ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, वो सिर्फ लोगों को मारने के काम आएगा। ठीक है, इच्छा तो बहुत होगी लेकिन चीज़ उठेगी नहीं तो क्या करेंगे। और जो औरतों के लिए किया है ये औरतों वाला है, ये तो ऐसा हाल होगा ना कि अंदर अंदर पूरी चीज़ सड़ेगी, खुजली होगी, बदबू आएगी, इन्फेक्शन होगा, बहुत कुछ होगा, बहुत मज़ा आएगा। मज़ा तो देखो क्या आएगा।